हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज सीपी 2022 का नोटिफिकेशन आया है और जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए, वेट मत करिए क्योंकि एसएससी का साइट डाउन हो जाता है बाद में और उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे हम। एक कमेंट आया था आज कि सर एंटोर साइनो को करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, तो मैंने आपको वोकैब के बारे में बता रखा है, आप वोकैब की वीडियो जाके देख सकते हैं इंग्लिश के स्ट्रेटेजी में कि कैसे वोकैब को पढ़ना है। बट मैं अप्रोच की बात करूँ तो जब मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट कर रहे हो साइनो रेंटो को, तो जब आप साइनो अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस चार ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है कि इस वर्ड का एंटोनिम्स कौन सा है। इससे क्या होगा कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, उस चार में से अगर दो ऑप्शन आपको एंटो मिल गए साइनो के तो आप वहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और दो में से आपको एक आंसर टिक करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइनो पूछा है तो उसके उसमें तीन एंटो दिए होते हैं और एक साइनो होता है, तो तीन एंटो को आप हटा दो। अगर आपको चौथा वाला ऑप्शन नहीं भी पता है कि इसका साइनो है तो उसका ऑप्शन सही हो जाता है। यही सेम चीज आपको एंटोनिम्स में करना है। अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो आपको उस एंटोनिम का साइनोनिम ढूंढना है उस ऑप्शन में, अगर वही चीज सेम आपको दिख रहा है। अगर एंटोनिम का मतलब एंटोनिम में कुछ कुछ मैच कर रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और एक ही वर्ड या दो वर्ड होते हैं साइनोनिम के, तो आप या तो 50% श्योर हो सकते हो या तो 100% श्योर हो सकते हो। ये ट्रिक हमेशा ही काम करती है, लगभग काम करती है 90% में, तो आप इससे देख सकते हो उसको। मेरा अप्रोच यही था हमेशा से। चलिए, थैंक यू।